अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप, क्या हाल चाल? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो भाई आज मैं बनाने लगी हूँ कढ़ाई, और ये पहले का पकोड़ों का बना हुआ पकोड़े तले थे मैंने इसके अंदर, तो ये ऑयल मैं वेस्ट नहीं करना चाह रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना इसी में ही सालन बना दिया जाए। तो आमतौर पर घरों में इसी तरीके से होता है, कहीं आप लोग कमेंट करें कि आपने गंदे ऑयल में तल दिया खाना बनाया, तो ऐसी कोई मसला नहीं है, पकौड़े ही तले थे। तो चलिए जी, फटाफट सी झटपट सी घर के मसाले में, होम मेड मसाले में बनाएंगे कढ़ाई, और आप लोग ट्राई करिएगा, और आप लोग दुआएं देंगे सना को कि वाकई में सना ने क्या कढ़ाई बताई है। तो भाई यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी जो है वो चिकन ले ली थी, और चिकन को जो है मैंने गरम गरम ऑयल में डाला, और ऑयल के साथ ही मतलब चिकन डालने के साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको अच्छी तरीके से मैंने कर दिया था फ्राई। और बिल्कुल आपको बाहर वाला जायका आएगा, आप यकीन नहीं मानेंगे, आप कहेंगे कि वाकई में कि मसाले को एक दिन के लिए आप भूल भी जाए। अगर कभी नहीं आए तो आप ये मसाला ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। और मैंने कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला, सेम सिर्फ घर के मसाले डाले और जो घर में अवेलेबल होते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से चिकन को फ्राई कर दिया था, चिकन फ्राई हो गई थी, तो फिर मैंने इसके अंदर टमाटरों को बीच में से दो कर दिया था, मतलब कि हाफ हाफ टमाटर कर दिए थे, और उसको मैंने डाल दिया था कढ़ाई के अंदर ताकि जो है ये सॉफ्ट हो जाएँ, और जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो इनका जो छिलका है वो बिल्कुल नरम हो जाएगा। जब छिलका नरम हो जाएगा तो आप जो है चिमटे की मदद से इसको आराम से निकाल देंगे। तो जब तक टमाटर सॉफ्ट हो रहे तो हम जल्दी से मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया था 1 से 1.5 चम्मच जो है मैंने कुटी मिर्ची ली थी, और बिल्कुल थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्ची ली थी, और एक मतलब नमक आप जो है अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, नमक ले लिया था, और मैंने हल्दी ले ली थी, और इसके बाद थोड़ा सा ही मैंने पिसा हुआ सूखा धनिया ले लिया था ताकि ग्रेवी टाइप की बन जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था ज़ीरा, और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था क्या कहते हैं पिसा हुआ गरम मसाला, ठीक है। ये सब घर में नॉर्मली होता ही है। तो ये हमारा बन गया है कढ़ाई का मसाला। असल टेस्ट जो है वो कढ़ाई के अंदर आता कहाँ से है, वो आता है टमाटरों से, क्योंकि कढ़ाई में एक खट्टापन सा होता है, तो वो जो है कढ़ाई जो है वो उसी से ही बनी जाती है। तो बस यहाँ आप देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल सॉफ़्ट हो गए थे, तो मैंने सॉफ़्ट टमाटरों का छिलका आराम से ही उतार लिया था, ठीक है। वन बाय वन करके आपने सारे टमाटरों का छिलका इस तरीके से उतार लेना। अगर नहीं उतारेंगे ना तो वो क्या होता है कि निवाला जब हम खा रहे होते हैं ना तो वो मुँह में आता है, तो इस वजह से उतार लीजिएगा। ये आप लोग अच्छी आप लोग को एक ग्रेवी टाइप की जो है कढ़ाई में मिलेगी। अक्सर ऐसा होता है कि कढ़ाई बिल्कुल सूखी सूखी सी होती है, तो वो किसी किसी को समझ में आती है, किसी किसी को बिल्कुल समझ में नहीं आती। हमारे घर में तो बिल्कुल भी सूखा सूखा खाना नहीं खाया जाता, और थोड़ी बहुत ग्रेवी वाला खाना ही खाया जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने जो है वो टमाटरों के छिलके जो है वो उतार लिए थे, फिर उसके बाद जो है मैंने अच्छी तरीके से इसको भूनना स्टार्ट किया था, ताकि जो टमाटर को मतलब मैंने चमचे की मदद से तोड़ना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि बिल्कुल मुलायम से हो गए थे। छिलका जो है वो इतनी जल्दी नहीं गलता, असल में टमाटर तो गल ही जाते हैं। तो बस इसको आपने अच्छी तरीके से तोड़ना स्टार्ट करना है, जितना भी आप चम्मच चला सकते हैं चलाइएगा, पर कोशिश ये करिएगा आपकी चिकन ना टूटे। इसको थोड़ी देर के लिए मैंने कवर अप करके रख दिया था, ताकि बिल्कुल ही जो है वो हो जाए आराम से, जल्दी से हो जाए। तो बस इसके अंदर फिर मैंने ऐड कर दिए थी हरी मिर्ची, और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर जो मैंने मसाला बनाया था वो मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था, और मसाला ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से भूना था, इसको ढक के रख दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि जो है मसाला एक दूसरे के अंदर अच्छी तरीके से रच बस जाए। और फिर उसके बाद इसको मैंने अच्छी तरीके से भूना था, और इतना भूना था कि टमाटर जो थे वो हमारे अच्छे तरीके से बिल्कुल भुन जाए, वो बिल्कुल भी दिखे नहीं। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था दही, और दही डालने के बाद जो है वो मैंने जो है फिर इसको दोबारा से भुना था, दो हिस्सों में मैंने दही डाला था, ताकि थोड़ा ग्रेवी ग्रेवी टाइप रहे, और आपको दिख ही रही होगी माशाल्लाह से कितनी ग्रेवी है इसके अंदर। ग्रेवी जो है वो आपकी जान होती है रोटी की, तो रोटी के साथ जो है ग्रेवी ही अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर जो है माशाल्लाह माशाल्लाह से मज़ेदार सी होम मेड मसाले की जो है वो कढ़ाई तैयार है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने ट्राई करी और आप लोगों को कैसी लगी। और बस ये हमारी कढ़ाई तैयार है, तेल ऊपर आने तक आपने इसको ढक के रखना है, और फिर इसमें धनिया डाल के बस ये मज़ेदार सी रोटी के साथ जो है वो कढ़ाई जो है तैयार है, और इसको खाएं और मज़े उड़ाएं। बस यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजम